स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना, जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार, हो जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन में। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार, नमः शिवाय, जम के बोलो, ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। अब पुरुष करेगा कैसे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है, उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकालकर वापस ले आएगा, ये निश्चित है।